ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ सो गाइस अभी के टाइम में आप इंस्टाग्राम पर कुछ स्टाइप रील तो जरूर से देखिए क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर आप भी कुछ स्टाइप रील क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है रील वायरल होने के, क्योंकि कंटेंट अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, बट मैंने उसमें आपको बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बना के दिखाई थी, बट इस वाली वीडियो में भी इसे थोड़ा नेक्स्ट लेवल से एडिट करने वाले थे। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो एंड अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आगे भी आपके वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आप प्ले स्टोर पे जाना है और गाइस आप वहां से फोटो फोन या ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो गाइस मैं इसे ओपन कर लूंगा, तो आप कहाँ पे डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। और जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस क्या करना है, आप कहाँ पे पॉपुलर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप कहाँ पे बिजनेस न्यूज पेपर फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन क्या करना है, आप कहाँ पे चूज फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे चूज एग्जिट फोटो वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप कहाँ पे दिख रहा होगा तो वैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आप वहाँ से अपनी कोई एक फोटो चूज कर लेनी जो कि आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो वैसे जैसे मैं से कोई फोटो देख लेता हूँ अपनी, तो वैसे मैं से वाली फोटो चूज कर लूंगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, फोटो पर क्लिक करेंगे और वैसे आप यहाँ से इसे बहुत ईजिली एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे से इतना कर लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और ऐसे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। एंड देन क्या करना है, आप यहाँ पे इसको कट कर देना है, तो यहाँ पे इसे कट कर देंगे और गाइस आप यहाँ पे अपना नाम टेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं अपना नाम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आप यहाँ पे आर्टिकल कुछ भी लिख सकते हो, बट इसकी यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, आप यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे फोटो बनकर रेडी हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी क्या करना है, आपको गैलरी में सेव करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, तो गाइस यहाँ से ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, देखो आप यहाँ से बैक करना है, तो गाइस यहाँ से बैक करेंगे और आप यहाँ पे एक और फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्ट से। तो क्या करना, आपको चेंज फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे फिर इस वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ से अपना दूसरा कोई एक और फोटो गाइस चूज कर लेना है। तो जैसे मैं फटाक से चूज कर लेता हूँ, सो गाइस इस बार मैं ऐसे वाले फोटो चूज कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट भी कर लेंगे जितना मैं यहाँ पे चाहिए, और ऐसे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे एंड ऐसे फिर से ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे ये वाले फोटो भी बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसे भी यहाँ पे क्लिक करके गैलरी में सेव कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है, ठीक है। तो गाइस क्या करना है, पहले आपका भी बैक कर देना है और गाइस आप वहाँ से अपने VN ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है, VN को। तो गाइस जैसे मैं से VN को ओपन कर लेता हूँ, सो गाइस VN ओपन हो चुका है। तो क्या करना है, आपका प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, आपका पे सबसे नीचे दिख रहा होगा और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन आपको जाना है फोटो वाला ऑप्शन पे और गाइस आपको यहाँ से अपने इन दोनों फोटो को चूज कर लेना है जो कि हमने यहाँ से अभी के अभी एडिट किए हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर वाली। तो यहाँ पे क्लिक करके चूज कर लेंगे और गाइस आपको यहाँ पे तीसरी अपनी खुद की फोटो चूज करनी है, ठीक है, तीसरी वाली। तो जैसे मैं अपनी कोई फोटो चूज कर लेता हूँ, सो गाइस मैं ऐसी वाली फोटो चूज कर लूंगा, ठीक है, एंड देन आपका पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, गाइस आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा और गाइस यहाँ पे हमारे फोटोज भी आ चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को फ्रेम सेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका 9:60 वाले रेशो चूज कर लेना है, ठीक है, जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। एंड देन क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फोटो पे क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसे बीच में लेके आ जाएंगे और इस वाले पे क्लिक करेंगे और गाइस इसे भी यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इतना बहुत इजीली गाइस कर सकते हो, तो यहाँ पे इसे भी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और गाइस आपको यहाँ पे एक वाटरमार्क मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और गाइस आपको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन आपको जाना है फोटो वाला ऑप्शन में, ठीक है, फोटो वाले पे। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना से अपने न्यूज़पेपर वाली एक और फोटो गाइस चूज कर लेनी है, ठीक है, लास्ट के लिए। तो जैसे इस वाले पे क्लिक करेंगे और चूज कर लेंगे और ऐसे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, तो बस अभी फोटो जा चुकी है, आप अभी देख सकते हो। तो बस अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है, आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है, तो उसके आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा म्यूजिक वाला, ठीक है, प्लस वाला। तो बस अभी क्लिक करेंगे और ऐसे म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और ऐसे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और गाइस आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे एक म्यूजिक वाली वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करना है और गाइस इसे यहाँ से कर लेंगे चूज। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है गाइस, वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। देन आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, तो गाइस इसका पे जो साउंड होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आ चुका सबसे ऊपर, तो इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे ऐसे कर लेंगे चूज और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारे वीडियो में ऑडियो भी लग चुका है। तो गाइस देखो अभी क्या करना है, जो सबसे सबसे ज्यादा मेन काम गाइस आपको यहाँ पे बीट लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, आपको अपने साउंड पे क्लिक करना है, तो गाइस क्लिक करेंगे और आपका भी ऑप्शन दिख रहा बीट वाला, ठीक है, ये वाला। तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो गाइस आपको यहाँ पे पूरी 5 बीट लगानी है, ठीक है। तो पहली बीट लगानी है आपको 0.97 पे, तो गाइस आपको यहाँ पे आगे तरफ आना है और आपका भी देखना है कि 0.97 कहाँ पर आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे 0.97 आ चुका है, तो क्या करना है, आपको सिंपली इस रेड वाले फ्लैग पे गाइस एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक बीट लग जाएगी और गाइस आपको यहाँ पे अपनी सेकंड बीट लगानी 1.99 पे, तो गाइस यहाँ पे आगे तरफ आएंगे और आपके यहाँ पे देखना है कि 1.99 कहाँ पर आ रहा है।
सो गाइस 1.99 आ चुका है, तो क्लिक करेंगे और हमारा सेकंड बीट लग जाएगी। यानी देखो आपको आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहली बीट कहां पर है, दूसरी बीट कहां पर है, तीसरी बीट कहां पर है, ठीक है। तो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और जब आप अपनी कोई रील एडिट करोगे तो आप इसमें देख देखिए अपने रील को बहुत इजीली एडिट कर सकते हो, ठीक है, वरना आप यहाँ पे भूल जाओगे कि कौन सी बीट कहां पर है। तो गाइस मैं अपनी सारी बीट फटाक से लगा लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे बीट लग चुकी है, ठीक है। बस गाइस आपको पांच ही बीट लगानी है, ठीक है, ध्यान करके देना राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो बस अभी क्या करना है, देखो आपको अपने फोटोज को अपने बीट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो क्या करना है आपको, अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है। तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप पे अपनी बीट के नीचे ला के रख लेना है। तो गाइस आप अभी देखते हैं बिल्कुल बीट के नीचे है। तो बस आपको पे सेम ऐसे करना, आपको अपने फोटोज पे क्लिक करना है और आप पे अपनी बीट के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो बस आपका बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मेरे यहाँ पे पूरी कोशिश है कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस आपको पे सेम ऐसे करना है, आपको अपने फोटोज क्लिक करना है और आपको अपने बीट के नीचे लाकर रख लेना है और आपको अपने लास्ट वाली बीट पे क्लिक करना है। तो गाइस आप क्लिक करेंगे और आपको इस टाइप से स्प्लिट कर देना है, तो आपके यहाँ पे फोटो के दो पार्ट हो जाएंगे। तो गाइस अभी क्या करना है, देखो गाइस जो सबसे ज्यादा मेन काम है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मेन काम है गाइस आपको यहाँ पे इफेक्ट लगाने एंड आपको यहाँ पे इफेक्ट कौन कौन से लगाने वो सबसे मेन चीज होती है, तो मैं आपको यहाँ पे वही बताने वाला हूँ। तो गाइस क्या करना है आपको यहाँ पे अपने किसी फोटो पे क्लिक करना है, तो आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना है साइड में और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा जूम वाला, तो गाइस आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे और कैसे आपको पे जूम आउट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाला एनिमेशन आपको अपने सारे फोटोज में ऐड करना है, तो उसका आपको पे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपके सारे फोटोज में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो भी चुका आप भी देख सकते हैं। तो कैसे अभी क्या करना है आपको, शुरू के दो फोटो छोड़ देना है और कैसे आपको यहाँ पे अपने फोटो पे क्लिक करना है। तो कैसे आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाओगे सबसे नीचे एफएक्स वाला, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये वाला। तो कैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जिटर डाउन वाला इफेक्ट चूज कर लेना है। तो कैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कौन सा वाला है, ठीक है, ये वाला। तो कैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने पूरे फोटो पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे एंड देन आपको जाना है लास्ट वाली फोटो पे। तो वैसे यहाँ पे जाएंगे लास्ट वाली पे, ठीक है, तो फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से एफएक्स वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और वैसे आपसे व्हाइट वाला चूज कर लेना है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे। तो वैसे देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ ये आधी फोटो पे ही अप्लाई करना है, ठीक है, आधी पे सिर्फ यहाँ पे इतना कर लेंगे और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे एंड देन क्या करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये प्लस वाला कैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और आप कहाँ से व्हाइट वाला चूज कर लेना है और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सो गाइस वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है एंड अभी इसको चला के देखते हैं कैसी बनी है। तो गाइस आप देखते वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका था, एक लाइक तो बनता है। तो बस अभी क्या करना है आपको, अपनी गैलरी में सेव भी करनी है, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, तो कैसे आपकी गैलरी सेव हो जाएगी। बस मैंने जो आप म्यूजिक वाली वीडियो का यूज किया, तो गाइस इसे हमारे टेलीग्राम से बहुत इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो गाइस अगर वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।